हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हाफ ईयरली की प्रिपरेशन आई नो आप लोग कर रहे हो और मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था अकाउंटेंसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कवर होंगे आज की वीडियो में मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ के सिर्फ ट्वेंटी ओनली ट्वेंटी टॉपिक्स दूंगा और इस बात की गारंटी है यहाँ पे कि आपके हाफ ईयरली में इन्हीं ट्वेंटी टॉपिक से सब कुछ कवर होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑप्शनस भी पेपर में है जैसे कि सी सी के सैम्पल पेपर में है उसी तरीके से आपके स्कूल वाले भी डेफिनेटली उसको ही फॉलो करेंगे और काफ़ी सारे ऑप्शन देंगे इसीलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये टॉपिक्स कवर होंगे ही होंगे क्योंकि अगर ये ऑप्शन में नहीं मेन में नहीं हुआ तो ऑप्शन में होगा तो ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे से लिख लो और तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए इन टॉपिक्स को इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी केस स्टडीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से बना लो ताकि आपके हाफ ईयरली का ही नहीं आपके प्री बोर्ड का और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक और केस स्टडी तक ये कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे को कई सारे बच्चों ने एक रिक्वेस्ट की कि सर आप केस स्टडीज़ करा दीजिए मैं स्टाफिंग चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ क्लास केस स्टडी की के अगर हम बात करें तो केस स्टडीज में धीरे धीरे लेके आऊंगा बट अगर आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप मेरी केस स्टडीज की जो पुरानी वीडियोस हैं लास्ट ईयर की आप उनसे कर लो चीजें सेम है और आप सब अगर क्लास इस वीडियो को वन लाइक तक पहुंचाओगे डेफिनेटली कल मैं एक कीवर्ड्स की वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर जिसके अंदर क्लास आपको जितने भी कीवर्ड्स देख के, के स्टडी से पहचानना होता है कि ये क्या है वो सारा का सारा बताऊंगा पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस यानी कि चैप्टर नंबर वन टू तो फाइव नहीं चैप्टर नंबर वन टू तो एट यानी कि एक से लेके आठ चैप्टर तक जितने भी की वर्ड्स के स्टडीज के हैं जहां से पहचान सकोगे आप केस स्टडी वो मैं क्लास आपको कल वीडियो लाकर बता दूंगा बस एक छोटा सा टारगेट दिया है क्लास वन थाउजेंड लाइक कर तो लाइक जरूर करना शेयर करना हर एक जरूरतमंद बच्चे तक हर एक ग्रुप में इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो कहीं भी शेयर कर सकते हो ठीक है तो आओ ट्वेंटी टॉपिक्स करने हैं मैं समझता हूँ कि जब टारगेट हम छोटा रखते हैं ना तो अचीव करने बड़ी आसानी होती है बीसी क्वेश्चन है अगर आप चार दिन भी अच्छे से पढ़ लोगे मेरी वीडियो से समझ लोगे और क्लासेस से मिलते जुलते केस स्टडीज बना लोगे ना तो कहीं नहीं गया पेपर में आएगा यही इसकी मेरी गारंटी है भले ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास लगभग फोर्टी फिफ्टी परसेंट रहेगा बाकी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे बट होगा यही ये यह, आप देख लेना और इवन मैं बोर्ड के पैटर्न से करा रहा हूँ तो कई स्कूल वाले ऐसा हो सकता है कि इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा रख दें इसकी कम रख दें लेकिन मैं बोर्ड के हिसाब से ही चल रहा हूँ तो एक स्कूल वाले अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा राइट आओ मैनेजमेंट के फीचर्स है इंपॉर्टेंस फीचर्स अगर आया तो क्लास के स्टडीज़ उसमें से बन सकती हैं वो आपको याद रखना लगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कंटिन्यूस ग्रुप एक्टिविटी ये सब और हाँ एक इमेज बेस क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा तो मैं आप सबसे बोलूँगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज़ के लिए डेफिनेटली क्लास एनसीईआरटी को फॉलो करो ठीक है आप सब अगर एन में आपको दिक्कत होती है परेशानी होती है तो मुझे बताओ मैं तुम्हें क्लास एन से हर एक चैप्टर के एन को निचोड़ के जो समरी बनाऊंगा हर एक चैप्टर की वो करा दूंगा उसके इमेज बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा ताकि एन आप अगर नहीं भी कर रहे तो मेरी वीडियो से ही वो सारा कुछ हो जाएगा बट उसके अलग से सीरीज़ आएगी और अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं इस पर काम करके आप लोगों को डिलीवर करूँगा ठीक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्लास केस स्टडीज़ के बेसिस पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस है केस स्टडी के बेसिस पे बताओ कि ये बंदा इफेक्टिव है या एफिशिएंट है या क्या नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है अगर आप इतना कर लोगे आई थिंक मोर देन इनफ एक्सेप्शन इज देयर बट हाँ इतना कर लोगे चैप्टर खत्म है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्वेंटी परसेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इस बीस टॉपिक करके आप एट्टी नंबर आराम से ले आओगे अगला प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें फेल के कुछ प्रिंसिपल है लाइक यूनिटी ऑफ कमांड इक्विटी डिसिप्लिन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल जनरल इंटरेस्ट और टेलर के प्रिंसिपल है हा नॉट डिस्कॉर्ड हो गया इसी को इनिशिएटिव भी बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मेथड मोशन और टाइम स्टडी तो ये टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक है इनको जरूर कर लेना सेकेंड चैप्टर की अगर बात करूँ थर्ड चैप्टर की बात करूँ बिजनेस इन्वायरमेंट में दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट वन और एनी वन और टू कोई भी एक या दो अगर डायमेंशन आ सकता है केस बेसिस पे वो आप देख लेना प्लानिंग में दो में से पक्का प्लानिंग डालो, डालो, uh, में ये दो टॉपिक हंड्रेड परसेंट क्लास इंपॉर्टेंट है अगर एक्सेप्शन आ गया कोई आप, आपको वो दे दिया टाइप्स प्लान तो एक्सेप्शन है बट उसमें मेहनत ज्यादा है आउटपुट कम है इसलिए मैंने इंपोर्टेंट में, में ये दो टॉपिक डाला है ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस प्रोसेस लेना कम से कम दो प्रोसेस आएंगे ठीक है? आपके पांच में से कम से कम दो प्रोसेस फंक्शनल डिविजन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, कौन सा फ्रेमवर्क है पूछ लेगा कौन सा क्लास स्ट्रक्चर है पूछ लेगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इस पर स्टडी आता है इसका मेरिट डिमेरिट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना मेरिट डिमेरिट इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन या इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इसके केस क्वेश्चन आ सकता है कौन सा कॉन्प्ट है डेलीगेशन है या डिसेंटलाइजेशन है घुमा फिरा के पूछेगा सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है तो डिसेंट्रलाइजेशन है अथॉरिटी शेयर बिटवीन टू तो डेलीगेशन है, है ना तो ये इसके ये पहचानना है और फिर आपको इसके इंपोर्टेंस लिखने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आपने करके जाना है स्टाफिंग की बात करें स्टाफिंग प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस दो में से कोई एक प्रोसेस आने के बहुत ज्यादा चांस है स्टाफिंग या सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस आया तो छह नंबर का होगा ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम है और दूसरा है वेस्टिब्यूल स्कूल वो जरूर करके जाना क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्स मेरिट और डीमेरिट ये पूरा टॉपिक क्लास ये आप ऐसा मत समझिए सर ने तो ज़्यादा करा दिया पूरा करा दिया बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारे नंबर पूरे आए इसलिए तुम्हें पूरा करा रहा हूँ तो जिसमें से आधा करके जाएगा उसके आधे नंबर आएंगे जो पूरा करके जाएगा पूरे नंबर आएंगे और ये हाफ ईयरली की तैयारी नहीं है

Uh, बाकी मैंने कम्युनिकेशन को नहीं रखा है इसके अंदर जो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर आपको लगेगा तो पूरा बुक दे दीजिए सर ने कोऑर्डिनेशन सॉरी कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग का प्रोसेस और सीपी और एम बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये केस स्टडी में भी आ सकता है कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो और इम्पोर्टेंस और कंट्रोलिंग जो इंडिसप्लिन क्लास फंक्शन है इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है कंट्रोलिंग और इवन जो है प्लानिंग जो, uh, जो है वो बेसिकली जो है थॉट प्रोसेस है और कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव है प्लानिंग प्रेस्क्रिप प्रिस्क्रिप्टिव है ठीक है तो प्लानिंग प्लानिंग का तो प्रोसेस बताया था मैंने कंट्रोलिंग का प्रोसेस और कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस प्लानिंग के लिमिटेशंस तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग का एक क्वेश्चन आना है लेकिन इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा तो ये है आपका पूरा का पूरा आठ के आठ चैप्टर इसके एक एक चैप्टर वाइज हर एक ट्वेंटी बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर तुम्हें केस स्टडीज़ चाहिए इसके की की तो मुझे बताना मैं कल ही वीडियो लेके आ जाऊंगा जल्दी को टाइम है नहीं आपके पास आप चैप्टर के क्लू वर्ड्स पढ़ के ही पहचान लोगे केस स्टडी के अंदर वर्ड आते कि हाँ ये किस चैप्टर का क्या कहना चाह रहा है पहली चीज़ बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में बहुत मेहनत से बनेगी वो दूसरी चीज़ क्लास अगर आप चाहते हो क्लास की ईको का भी मैं इसी तरह से क्वेश्चन दूँ तो कॉमेंट में मुझे मैंशन करना एंड डेफिनेटली इसके एम सी के स्टडीज़ आप मेरी पुरानी वीडियो से कर लो क्योंकि मैं आगे कराऊंगा अगर आपको लग रहा है पेपर में टाइम है तो ठीक है नहीं तो आप उसको मेरी पुरानी वीडियो से कर लो लेकिन हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करो ताकि आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में पूरी ट्वेल्थ की बोर्ड एग्जामिनेशन और सीवी की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी सो टिल देन टेक केयर बाय बाय स्टे टू स्टे कंटिन्यू